हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय आदित्य हैं जो 10th में आने वाले हैं और इसने अभी कुछ फीलिंग्स कराई हैं। मुझे लगता है काफ़ी कुछ बदल गया है आई थिंक इन 5-6 सालों में। चाहे वो अगर फीलिंग होती है तो हमें लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी फीलिंग है, और उसमें आजकल स्कैनर भी इंक्लूडेड है। एक अच्छा स्केलर होना चाहिए, एक अच्छा एयर एब्रेजन यूनिट होना चाहिए, रबर डैम बहुत ज़रूरी है आइसोलेशन के लिए, प्रॉपर आइसोलेशन के लिए फिनिशिंग पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक एक छोटी सी फीलिंग में वी गेट टू डू सो मच, और एक घंटा लग जाता है एक अच्छी फीलिंग करने में, चाहे वो कैविटी कटिंग हो, चाहे वो प्रिपरेशन हो, फिनिशिंग हो, पॉलिशिंग हो। तो आई थिंक डेंटिस्ट्री काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, और ये जो बड़े डेंटिस्ट को शायद कहीं ना कहीं ज़रूर मोटिवेट करेगा कि डेंटिस्ट्री इज़ इन गुड हैंड्स। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द अपडेशन इन डेंटिस्ट्री, आई थिंक वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड द पेशेंट्स आर लकी एनफ टू गेट द सेम क्वालिटी ट्रीटमेंट एज दे गेट इन द मॉडर्न कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया इज़ नो लेस। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी। पेशेंट्स बहुत दूर दूर से भी आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और एक सिंपल फीलिंग के लिए मेरे पास बहुत दूर से आए हैं, और अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन आती है हमें भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर डूइंग इट फॉर द पेशेंट्स। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वी आर गिविंग आवर पेशेंट्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एट वन रूफ, व्हाट एल्स यू वांट।